हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवकुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उसके 10-10 मिनट की वीडियो बना करके अपलोड करते हैं और ये शॉर्ट वीडियो आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। सो दिस चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मई मंथ के टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मेरे साथ वीडियो में बिगनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। गाइज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है, मुझे 6th प्लस ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। और गाइज, आप जानते हैं जैसा कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज के स्टडी प्रोवाइड करता है। और अभी कोरोना और इस लॉकडाउन की स्थिति में जो सबसे सेफ लर्निंग है वो ई लर्निंग ही है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने मोबाइल में ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और उसके बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अनअकैडमी पे जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, आप उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, गाइस, इस चैनल से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका पहले से ही आपको लिंक मिल जाया करेगा। साथ ही जितने भी लेक्चर्स हैं इन सब की पीडीएफ भी आपको इसी पर फॉरवर्ड कर दी जाती है। और गाइज, दूसरा, अगर आप अनअकैडमी का बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका जो कॉस्ट जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्लान क्या है इसका। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, रेफरल कोड, मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT Live है। और इफ़ यू गो फॉर 2 ईयर प्लान तो ये पड़ता है आपको 6480 का। सो यू आइदर यूज़ 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई रेफरल कोड टू गेट द 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, दैट इज SKT Live। चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम लोग मई मंथ के टॉप इंपॉर्टेंट जो 5 MCQ हैं उसकी। तो ये पूरा एक सीरीज़ में चला रहा हूँ और मैंने प्रयास किया है कि ये 10 से 12 पार्ट में अपलोड करूँगा मई मंथ के टॉप MCQ, ठीक है। हर सेशन में मैंने 5-5 MCQ रखे हुए हैं, तो जितने भी वीडियोज़ हैं आप सबको ज़रूर देखिएगा। गाइस, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हैज़ अप्रूव्ड अ $346 million लोन टू विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलायबल पावर कनेक्शन इन द स्टेट रूरल एरियाज। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आप जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। तो उसके द्वारा अभी इंडिया के किस राज्य को $346 million लोन दिया गया है, जिसका जो मेन एम है रूरल एरियाज में रिलायबल पावर कनेक्शन प्रोवाइड करना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या हरियाणा। गाइस, इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके द्वारा इंडिया के, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य को ये टोटल पैसा दिया गया है, जो अमाउंट है $346 million लोन, जिसका मेन एम है रिलायबल पावर कनेक्शन प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में। महाराष्ट्र के बारे में आप जाने तो आप CM को जानते हैं, मिस्टर उद्धव ठाकरे साहब हैं। और गवर्नर की अगर हम बात करने जाएँ तो भगत सिंह कोश्यारी लाल हैं। अगर ADB की बात करने जाएं गाइस, तो इसका हेड इस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा 1966 इसका इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करने जाएं तो ये मनीला फिलीपींस में, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। तो जो मनीला है वो कैपिटल है फिलीपींस की, और दूसरी उसकी जो करेंसी है पैसो। और इसमें सदस्यों की संख्या याद रखिएगा कि इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो आपकी 68 है ADB में, ठीक है। अच्छा, तो ये ADB से रिलेटेड डाटा है। और इसने जो अभी रिसेंटली ये फंड दिया है $346 million, वो दिया है इंडिया के महाराष्ट्र सरकार को, जो मदद करेगा रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में रिलायबल पावर कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है, ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा या नानोपदेश। तो किस राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये स्कीम्स और प्रोग्राम से रिलेटेड आज के समय में एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं और इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वैसे ये जो करंट अफेयर्स 10 चैनल है, इस पर मैंने बहुत सारी स्कीम्स के टॉपिक डिटेल में डाले हुए हैं, तो आप उन सबको जरूर देखिए, ठीक है। जितने भी स्कीम्स प्रोग्राम है मोस्टली मैंने सभी को कवर किया है, या जितने भी ऑपरेशन है जो सरकार के द्वारा, नेवी के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो एक बार उनको जाइए बैकहेंड में, सभी वीडियोज़ को देखिए, प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पर जो राइट आंसर याद रखिएगा, ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है युवा युवा योग योजना, ये लॉन्च की गई है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो जो त्रिपुरा के CM है मिस्टर बिप्लब देव कुमार, उन्होंने ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने जाएगा।
तो ये एजुकेशन रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, ठीक है। और ये लॉन्च की गई त्रिपुरा के सीएम, जिनका नाम है मिस्टर बिप्लब कुमार देव, ठीक है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अबॉलिश द डेथ पेनाल्टी फॉर क्राइम्स कमिटेड बाई माइनर्स। तो निम्न में से कौन सा देश है जिसने डेथ पेनाल्टी को हटा दिया है, कि अगर कोई नाबालिग के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जो डेथ पेनाल्टी पहले दी जाती थी, लेकिन अब डेथ पेनाल्टी को अबॉलिश कर दिया गया है अगर कोई माइनर अपराधी है तो। ऑप्शन से इस प्रकार से हैं, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, जापान या नन ऑफ दीज। तो गाइस मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ पर आंसर वो देश है जिसने अभी रिसेंटली अपनी करेंसी चेंज की है, ठीक है। इसकी जो एग्जिस्टिंग पुरानी करेंसी थी वो रियाल थी, लेकिन अब इसने नई करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर याद रखिएगा, माइनर्स अगर कोई अपराध करते हैं तो उनको डेथ पेनाल्टी की सजा नहीं दी जाएगी। और ये जो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया की जो न्यू करेंसी है वो याद रखिएगा टोमन, जो ओल्ड एग्जिस्टिंग करेंसी है वो रियाल थी, तो अब ये रियाल से स्विच कर गया है। आप याद रखिएगा टोमन में इसकी नई करेंसी है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल याद रखिएगा रियाद है, ठीक है। और इसकी जो नई करेंसी है वो आपको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टोमन, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा। और सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली अगर कोई माइनर अपराधी है, ठीक है, तो उसके अपराध के लिए उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है, ऐसा कौन सा इंडिया इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जिसने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा व्यूज का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेम द इंटरटेनमेंट प्रोग्राम विच हैज रिसेंटली क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट व्यूड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली, ठीक है। तो विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसके सबसे ज़्यादा एक दिन में व्यूज आए। ऑप्शन से तारक मेहता का उल्टा चश्मा, महाभारत, बाबी जी घर पर है, रामायण या सर्कस, ठीक है। तो आप जानते हैं अभी लॉकडाउन में सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो मॉर्निंग में भी था, ठीक है, और इवनिंग में भी चलता था 9 से 10, और मॉर्निंग में 9 से 10। उम्मीद करता हूँ कि आप हिंट समझ गए होंगे। अब उसकी जगह श्री कृष्णा आ रहा है, ठीक है। तो जो राइट आंसर याद रखिएगा ये रामायण है, ठीक है। तो रामायण ने एक दिन में ग्लोबली सबसे ज़्यादा व्यूज का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रामायण। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा जा रहा है, विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमिड द नेशन वाइड लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो अभी इस कोरोना की परिस्थिति में लॉकडाउन होने के बावजूद भी मनरेगा प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, फिर से समझ लीजिएगा, कौन सा ऐसा राज्य है जो लॉकडाउन में, अभी जो नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, महामारी कोरोना की वजह से, ठीक है, तो वो राज्य इस मनरेगा प्रोग्राम के अंडर सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, केरला या नन ऑफ दिस। तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि यहाँ के जो सीएम का नाम है हेमंत सोरेन, जो अभी न्यूली अपॉइंटेड है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जो राइट आंसर है, सॉरी, छत्तीसगढ़, ठीक है, हेमंत सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन तो झारखंड के हैं, ठीक है, भूपेश बघेल। तो ये याद रखिएगा, यहाँ के जो सीएम है उनका सीएम का नाम याद रखिएगा, यहाँ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल, और जो मैंने नाम लिया गाइस वो है आपके कौन से, हेमंत सोरेन है आपके झारखंड के, ठीक है, तो वो झारखंड के हैं। तो ये जो लॉन्च किया गया याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इस परिस्थिति में जो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है वो किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा, और वहाँ के सीएम का नाम याद रखिएगा भूपेश बघेल साहब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा इस सेशन को शेयर। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गाइज, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, शो योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, और गाइज प्लीज़ हिट द बेल आइकन जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और गाइज अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है। मेरे कोड का नाम याद रखिएगा SKT Live। Thank you so much for watching this video.